हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, तो अभी इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं, जिन प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोगों से ये पूछा जाता है कि इस रस्सी के अंदर टेंशन कैलकुलेट करिए और किस जगह पे कितना फ्रिक्शन का एक्ट करने लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 19 न्यूटन हो सकता है, ये 20 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 16 न्यूटन हो सकता है, इस तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, इस तरफ 120 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो हम इस रस्सी में टेंशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो उसको सोल्व करने के लिए सिंपल सा हम लोगों को क्या करना है, देखो जब ये फोर्स लगने लगेगी तो हमें पता है कि सर 120 न्यूटन इसको पकड़ के खींचने लगेगा, तो हरदम ध्यान रखो कि पहले फ्रिक्शन ओवरकम होता है। जैसे इस जगह का जो फ्रिक्शन है ये कितना है, 90 न्यूटन, तो पहले 120 न्यूटन का जो यूज है वो किसको ओवर करने में, ओवरकम करने में जाएगा, इस 90 न्यूटन को। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या हो जाता, देखो भाई हम इस तरफ से इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे, ध्यान से देखते हुए करेंगे इस चीज को। देखो ये सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन ये कहता है कि पहले ये चेक करूं कि पूरा सिस्टम चल रहा है कि रुका हुआ है। अगर हम पूरे सिस्टम को लेते हैं, पूरे सिस्टम को अगर हम लेते हैं तो टोटल क्या कह देंगे, 10 + 20 30 kg मास हो गया। ये 30 kg मास, इस पे आगे की तरफ फोर्स कितनी लगी, 120, और पीछे की तरफ फोर्स कितनी लगी, 100 न्यूटन। तभी यहां से हमारे पास कितना आ गया, 20 न्यूटन इस तरफ आ गया, 30 kg मास। अभी हम कहेंगे सर ये 20 न्यूटन तो एक्सटर्नल फोर्सेस आई हैं, लेकिन इस जगह पे क्या भी लगने लग रहा है, फ्रिक्शन भी है, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखो बच्चों यहाँ पे भी हमें पता है कि सर 90 और यहाँ पे 60, तो टोटल कितना हो सकता है, 150 हो सकता है। तो पीछे की तरफ एफ मैक्स जो है वो 150 है, इसका मतलब कि कांट मूव, सिंपल सी बात है भाई ये। क्यों, क्योंकि पूरे सिस्टम पे अगर हम लोग देखेंगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो 20 है उसको फ्रिक्शन आसानी से बैलेंस कर सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन 150 हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब कि पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जीरो। अगर पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो अभी कैसे पता किया जाए कि सर रस्सी के अंदर टेंशन कितनी रहेगी, इसके लिए बच्चों हम लोग सिंपल सा दो स्टेप्स करते हैं। पहला ये कि हम इस तरफ से शुरू हो जाएंगे। इस तरफ से शुरू हो जाने का क्या मतलब है, जैसे कि इस जगह पे आपने देखा कि 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, तो पहले क्या काम है कि सर पहले 90 फ्रिक्शन पूरे का पूरा लग गया, मीन्स ये जो 120 था जैसे ही लगने लगा तो उसके बाद पहले इसको फ्रिक्शन अपोज करेगा, जब फ्रिक्शन अपोज करेगा तो फ्रिक्शन 90 लग गया पूरे का पूरा, उसके बाद रस्सी पिक्चर में आएगी, समझ में आए। क्योंकि रस्सी के अंदर टेंशन तब जनरेट होती है तब उसको उसके अंदर खिंचाव आए, जब तक रस्सी के अंदर कोई खिंचाव नहीं आता, रस्सी के अंदर टेंशन जनरेट नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे सर फ्रिक्शन 90 हो गया और पीछे की तरफ कितनी ना टेंशन मान ली हमने टी। ठीक, तो यहां से और हमें पता है कि सर नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक तो कितना है, जीरो, इसका मतलब टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू हो जाएगा 30 न्यूटन। अब ये 30 न्यूटन हम लोग इस तरफ लेके गए, तो हमने कहा कि इस तरफ देखो 30 न्यूटन की फोर्स लगने लग रही है, इस तरफ 100 न्यूटन की फोर्स लगने लग रही है, लेकिन बच्चों मैक्सिमम अभी हम क्या कहेंगे, नेट इस तरफ हो गया 70 न्यूटन, लेकिन पीछे की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, एफ मैक्स ये कितना हो गया, 60 न्यूटन। मींस आगे की तरफ फोर्स लगी 70 न्यूटन और पीछे की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 60 न्यूटन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो गया कि भाई ये तो सर कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आगे 70 लगी और पीछे मैक्सिमम लग सकती है 60, तो ये ब्लॉक चलने लग जाएगा, लेकिन रियलिटी में अभी अभी हम लोगों ने देखा था पूरा सिस्टम चल नहीं सकता है। अगर पूरा सिस्टम नहीं चल सकता तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है वो गलत है, रॉन्ग। ठीक, तो इसके लिए अभी हम लोग स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 क्या किया जाता है, स्टेप 2 ये किया जाता है, अभी कैलकुलेशन इस तरफ से शुरू करो। इस तरफ से शुरू करेंगे तो देखो कितना आएगा, 100 आगे की तरफ कितना, सॉरी ये 20 20 है, आगे की तरफ कितना 100, पीछे की तरफ क्या लगा, टेंशन, और पीछे की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 60। तो देखो अभी जो ये 100 न्यूटन था, पहले ये 60 को ओवरकम करने में गया, 60 को ओवरकम करने में गया तो टेंशन कितना बच गया, 40।
तो ये 40 बज गया पीछे की तरफ टेंशन। अभी जैसे ही टेंशन बज गया 40, अभी हम इसके बाद इस 10 kg के ब्लॉक पे गए, तो आगे की तरफ टेंशन कितनी 40, इस तरफ टेंशन कितनी 120, और यहाँ पे एफ मैक्स जो लग सकता है वो कितना लग सकता है 90। हमने कहा कि सर 120 इस तरफ 40 इस तरफ तो नेट आया 80। अभी हम कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स आई कितनी 80, लेकिन फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है 90। इसका मतलब सर ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो इसका मतलब ये ब्लॉक यहीं की यहीं पे रुका रह जाएगा। तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि सर ये ब्लॉक भी रुका हुआ है, ठीक है, और ये ब्लॉक भी रुका हुआ है, ठीक भाई। तो इस हिसाब से बच्चों कभी भी हम लोगों को अगर जरूरत पड़े तो आपको क्या करना है ऐसे प्रॉब्लम्स में, ऐसे प्रॉब्लम्स में आप क्या करो उसको दोनों तरफ से कैलकुलेट करके देखो। पहले इस तरफ से कैलकुलेट करके देखो, इस तरफ से कैलकुलेट करते हुए इस तरफ जाओ, और कहीं पे भी कंडीशन मिसमैच नहीं होनी चाहिए कि अगर जैसे पूरा सिस्टम रुका हुआ है तो बाद में भी पूरा सिस्टम हर एक जगह पे रुका हुआ रहना चाहिए। जैसे इस सिचुएशन में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे बाद में ये रुका हुआ नहीं रह पाया था, ठीक। तो वो की वो बात यहाँ पे हम लोगों ने की। अभी जब इस तरफ से कैलकुलेशन से रुकी तो इस जगह पे ये भी रुका हुआ दिखाई दे गया, ये भी रुका हुआ दिखाई दे गया। मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर, अगर हमसे कोई पूछे तो हम अपना फाइनल आंसर कैसे दे सकते हैं, ये 10, ये 20, इस पे आगे की तरफ 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा जो कितना लगेगा 60, रस्सी के अंदर टेंशन हो जाएगी कितनी 40, और यहाँ पे फ्रिक्शन इस तरफ फोर्स लगेगी 120 न्यूटन। तो देखो इस ब्लॉक पे इस तरफ फोर्स लगी 120 न्यूटन, इस तरफ टेंशन लगी 40 न्यूटन, तो नेट कितना हुआ 80। तो पीछे की तरफ इसको बैलेंस करने के लिए एफ लग जाएगा 80, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।